हेलो दोस्तों, हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का 10th लेक्चर आपके सामने ले आए हैं और हमारा कार्बोकेटाइन का भी ये 10th लेक्चर है। तो भाइयों, हम इस लेक्चर में रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड रिंग, इपॉक्साइड की रिंग को ओपनिंग करना सीखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आ जाएंगे कार्बोकेटाइन पे बेस्ड नेम रिएक्शन। वो नेम रिएक्शन जो होंगे वो रीअरेंजमेंट बेस्ड नेम रिएक्शन होंगे, जैसे पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट, डाइन फिनोल रीअरेंजमेंट। इन ये तीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसके बाद हमारा कार्बोकेटाइन अंत हो जाएगा, फिर हम अपने कार्बोनाइन के ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है भैया। तो इंटरमीडिएट का 10th लेक्चर है और कार्बोकेटाइन का 10th लेक्चर है, जिसको आज हम खत्म करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। तो हमारे पास इपॉक्साइड कैसे होते हैं, इपॉक्साइड क्या होता है, ये आपके सामने है। दो तरह के इपॉक्साइड मिलेंगे, एक होंगे सिमिट्रिकल इपॉक्साइड, एक होते हैं अनसिमिट्रिकल इलो इपॉक्साइड। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंस क्या है वो आपके सामने है। सिमेट्रिकल जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, इजीली कट हो जाए, मतलब आराम से इनके अंदर सिमेट्री दिखती है, इसलिए सिमेट्रिकल। और जिनके अंदर सिमेट्री नहीं होती वो अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड। तो कुछ आपके पास सिमेट्रिकल इपॉक्साइड ये रहे, जिनको हमारे लेक्चर में हम देखा जा सकता है। इसे पूरे लेक्चर में हम इन्हीं को हो सके इन्हीं में से कुछ इपॉक्साइड को उठाएंगे, तो इसीलिए मैंने आपको कुछ इपॉक्साइड दिखा दिए हैं आपको, कि आपको दिक्कत ना आए। तो इसको देख लो और नोट कर लो कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड कौन कौन से हैं, फिर अपने रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड पे चलते हैं भाइयों। तो रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड पे चलने से पहले आपको दो बात बताना चाहूंगा कि आपको रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड में दो कंडीशन देखने को मिलेगी। एक होगी एसिडिक कंडीशन के थ्रू रिंग ओपनिंग करेंगे और एक अनायनिक कंडीशन मिलेगी। तो हमें दोनों में छोटी मोटी वेरिएशन होती है, उन सभी को देख के चलना है, ठीक है भाइयों। तो एक एक करके मैं आपको रिंग ओपनिंग की ओर लेकर चल रहे हैं, इस चीज को नोट कर लो, मैं बिठा लेता हूँ, ठीक है भाई। तो रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड में हम पहली जो कंडीशन लेके चल रहे हैं वो है एसिडिक कंडीशन। बीच में ही आ जाएगी अनायनिक कंडीशन, कैसे होगा वो चीज मैंने आपको पहले वार्न कर दिया कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जैसे हमारे पास एक इपॉक्साइड है, ये आपको पता है इस इपॉक्साइड को अभी हमने देखा है, ठीक है। और ये इपॉक्साइड सिमेट्रिकल इपॉक्साइड के अंदर लिखा था मैंने, तो ये इपॉक्साइड कैसा है, हमारा सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है भाइयों, सिमेट्रिकल इपॉक्साइड। तो इस इपॉक्साइड में अगर हम H+ और H2O डाल दें, H+ और H2O, मतलब क्या डाल दिया हमने, इसमें एसिडिक कंडीशन डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिडिक कंडीशन। तो सिंपली आप क्या करना चाहोगे एसिडिक कंडीशन में, तो आपको पता है, तो H+ सबसे पहले क्या होगा, H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर को देख के भागेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर को देख के H+ तुरंत उस पर अटैक मार देगा। तो सिंपली आप H+ का अटैक कर दो, हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट हो जाएगा, और ये CH3 मॉलिक्यूल और ये CH3, कुछ ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा ही नहीं, होगा ही नहीं होगा भाइयों। तो अब क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो कि हाईली अनस्टेबल होगा, ऑब्वियस ही बात है, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए कहीं ना कहीं से रिंग को ओपन करने चलेगा, मतलब अपने बॉन्ड को कहीं ना कहीं से तोड़ेगा, जिसकी वजह से अपने आप को स्टेबल होना पाए। तो बॉन्ड का ब्रेकअप वहां से होगा जहां से हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल फॉर्म हो। वैसे तो यहाँ सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी ब्रेकेज हो जाए, पर अनसिमेट्रिकल केस में हमें ध्यान रखना है कि बॉन्ड वहीं से ब्रेकेज करवाना है जहां से हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल हो। तो पिछले लेक्चर में ये सारी बातें हमने सीख ली थी, बॉन्ड का ब्रेकेज कैसे करवाना है, कैसे नहीं करवाना, ये चीज हमने देख लिया था। तो समझो ये जो बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ इधर से हुआ, तो सिंपली आप बॉन्ड का ब्रेकेज करवा दोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो आपको ये तो पता है, ऑक्सीजन यहाँ इसके पास अल्कोहल लग जाएंगे, और इधर हमारा CH3 मॉलिक्यूल, और इधर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हमारा CH3 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिंपली पता है यहाँ पे क्या होने वाला है। अब हमारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऑक्सीजन की ये पॉजिटिव चार्ज देख के यहाँ पर अटैक मारने की सोचेंगे और यहाँ पर अटैक मार देंगे। तो वन टू डाइओल फॉर्म होंगे, जो ये हमारे मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो सिंपली आप रिंग ओपनिंग करवा दोगे, सिंपली आप रिंग ओपनिंग करवाने में कोई दिक्कत नहीं है,
क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले एच पॉजिटिव ने अटैक मारा, एच पॉजिटिव ने अटैक मारा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां से उठाए और निकल गया सर। तो जैसे ही वो निकला तो सिंपली क्या होगा, ये इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लिए, अपनी मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दूर करी और यहां पे इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिए ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के थ्रू इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके पॉजिटिव चार्ज देख के वाटर मॉलिक्यूल तुरंत आया इस पर अटैक मार के, वाटर मॉलिक्यूल तुरंत अटैक कैसे मारेगा उस चीज को अभी बता देते हैं। तो यहां पर लगा देते हैं वाटर मॉलिक्यूल, लगा इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ही नहीं होगा भाइयों। तो एक मैं इसको सिंपली दिखा देता हूं आपको, एक एच यहां होगा, एक एच यहां होगा, तो सिंपली एक बार देख लेता हूं कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो क्या होगा, ये अपने हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन देके कैसे चला जाएगा तो आपको पता ही है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है ये तो आपको जानते ही है, तो सी एस थ्री और यहाँ पे ओ एच ग्रुप आ जाएगा। तो सिंपली हमने एडिशन करवा दिया, 1,2-diol फॉर्म होंगे, 1,2-diol फॉर्म हो ही रहे हैं। तो ऐसे ही हमें रिंग ओपनिंग का ध्यान रखना है, एसिडिक कंडीशन में ऐसा काम होगा, एसिडिक कंडीशन में ऐसे काम होगा, ठीक है भैया। तो इससे रिलेटेड और भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड हमें सीखनी ही पड़ेगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या कैसे इंपॉर्टेंस है, वो नेम रिएक्शन बेस्ड, जो हमारे नेम रिएक्शन है कार्बोकेटाइन्स के बेस्ड नेम रिएक्शन, उसमें हमारा यूज होगा, ठीक है भैया। तो कैसे, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है और यहाँ पर इपोक्साइड की रिंग फॉर्म हुई है, और अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं H प्लस और MeOH, क्या डाल रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल डाल रहे हैं। तो सिंपली क्या करोगे, पहले तो आप क्या करोगे, एच पॉजिटिव आयन का अटैक करवा दोगे ऑक्सीजन के लोन पर देख के, ये तुरंत अटैक मार देगा, तुरंत अटैक मारने के थ्रू क्या होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन अटैक मार देगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, सिमेट्रिकल है हमारा, क्या है, सिमेट्रिकल इपोक्साइड है, यस या नो, ये हमारा सिमेट्रिकल ऑक्साइड इपोक्साइड होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा तो आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल तैयार रहते हैं, तो ये जैसे उठाएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं कि आपको समझ में आ जाए, तो आपको ये देखो कुछ ऐसा फॉर्म होगा या नहीं होगा, यहाँ पर अल्कोहल लग जाएगा बिल्कुल और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर तुरंत इस पे अटैक मार देंगे, नहीं मार देंगे, तो कुछ ये फॉर्म होगा या नहीं होगा पहले बताओ, ठीक है, ये OH और यहाँ पर OH और H और इसके ऊपर पॉजिटिव, और वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो ये कहता है हाइड्रोजन मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाता हूँ, और हाइड्रोजन तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है और यहाँ पर हमें क्या फॉर्म हो जाता है। तो भाई एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारा वाटर मॉलिक्यूल ना होकर यहाँ पे MeOH ग्रुप है, MeOH मतलब मिथाइल अल्कोहल है, तो मिथाइल अल्कोहल मतलब यहाँ पे OME ग्रुप अटैक मारता है, OME ग्रुप अटैक मारेगा तो आपको पता है OME ग्रुप अटैक मारेगा नहीं मारेगा भाई, MeOH पूरा ग्रुप मारेगा अटैक, MeOH मिथाइल अल्कोहल पूरा ग्रुप मारता है, तो MeOH पूरा ग्रुप अटैक मारेगा तो ऑक्सीजन Me और यहाँ पर H और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, तो सिंपली क्या करेगा, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज तुरंत हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा, जैसे वाटर में होता था, सिंपली घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए दूर कर दिया आपको, तो OH इधर आ जाएगा और OME सिंपली यहाँ पे अटैक मार के ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली आप करवा दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपने, रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड इन एसिडिक कंडीशन में, तो सिंपली आप करवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमारे पास एक है अनसिमेट्रिकल, ले लेते हैं और यहाँ पर क्या डाल देते हैं अपने, क्या डाल दें, H प्लस और MeOH, तो सिंपली आप रिएक्शन करवा दोगे, क्या करवाना है, MeOH मिथाइल अल्कोहल डला है भाइयों, मिथाइल अल्कोहल डला है, तो H पॉजिटिव इसके लोन पेयर देख के तुरंत अटैक मार देगा, यहाँ पे हाइड्रोन लग जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है इतना ध्यान रखा रहा, रिंग ओपनिंग अब उधर से होगी क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, ये कैसा है हमारा इपोक्साइड, अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड के केस में थोड़ा ध्यान में रखना होता है, रिंग ओपनिंग उधर से करवाएंगे जहां से हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल फॉर्म हो। तो देखो भाइयों, रिंग ओपनिंग अगर इधर से करवाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट होगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अनस्टेबल, तो ऑब्वियस ही बात है इधर से रिंग ओपनिंग करवाएंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बिकम्स मोर स्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन यहां से उठाता है और इधर से उठाएगा तो आपको सिंपली पता ही है कार्बोकेटाइन कैसा फॉर्म होगा, कि ऐसा कुछ आपके पास स्पीसीज फॉर्म होगी, ठीक है।
और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, यहाँ होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। सिंपली आप क्या कर दोगे, MeOH का अटैक मरवा दोगे, किसका, मिथाइल अल्कोहल का। तो यहाँ लिख देता हूँ MeOH, तो मिथाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन पर इस पर देखेंगे, तुरंत इस पर अटैक मारने की सोचेंगे, और यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ पर OME और H और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो सिंपली आप अटैक करवा दोगे। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन कहता है मेरे इलेक्ट्रॉन रख और मैं निकलता हूँ, तो तुरंत क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन चल दे के चला जाता है और OME ग्रुप यहाँ लग जाता है, OH ग्रुप यहाँ लगा पड़ा है, और आपके पास कुछ ऐसी स्पीसीज फॉर्म होगी जो आपके सामने है। ठीक है भैया, तो करवा दोगे, एसिडिक कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना अनसिमेट्रिकल केस में वहां से रिंग की ओपनिंग करवाएंगे जहां से हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो भाई, तो इस चीज का थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, फिर हमारे प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपके रिएक्शन मैकेनिज्म आपके साथ ही साथ हो रही है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेंगे भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं एसिडिक कंडीशन के थ्रू, फिर अपने एनायनिक कंडीशन पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा एसिडिक कंडीशन और एनायनिक कंडीशन थोड़े बहुत वेरिएशन दिखाते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर दोनों को कंपेयर भी करेंगे एसिडिक कंडीशन और एनायनिक कंडीशन को, तो कैसे ये दोनों एक दूसरे से मैच खाते हैं, क्या है इनमें डिफरेंस, कैसा है कुछ भी, सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे MeOH डाल दे रहे हैं और H+ डाल रहे हैं, तो H+ तुरंत अटैक मारेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर को देख के, ठीक है, तो सिंपली आप अटैक करवा दोगे, ठीक है, और अटैक करवाने में क्या जा रहा है अपना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, तो अब रिंग ओपनिंग होती है, ये अनसिमेट्रिकल है या नहीं, है ये भाइयों अनसिमेट्रिकल, इधर से रिंग की ओपनिंग करवाएंगे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा, इधर से रिंग की ओपनिंग करवाएंगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बिकम्स मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू ये, तो आपको पता है इधर से अपनी रिंग की ओपनिंग करेगा और सिंपली क्या होगा, ये बेंजीन रिंग हमारी साथ में है और इधर हमारी पॉजिटिव चार्ज और साथ में हमारा OH ग्रुप। देखो इधर से खोलने का एक फायदा हुआ, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रही है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, फिनाइल कार्बोकैटायन एक तरीके से हम बोल सकते हैं, फिनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो तुरंत इसको क्या देखता है, MeOH ग्रुप देखता है, MeOH क्या करे, ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको तुरंत देख के इस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और तुरंत इस पर अटैक मार देते हैं, और तुरंत जब इस पर अटैक मारते हैं तो हमारा कुछ प्रोडक्ट ऐसा जाके फंस जाता है और यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन Me इधर, H इधर और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा भाइयों, ये हाइड्रोजन क्या कहेगा, मेरे इलेक्ट्रॉन रख और निकल, ठीक है भाइयों, तो ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है और सिंपली क्या होगा, हमारा OME ग्रुप यहीं रह जाएगा और हमारा OH ग्रुप यहाँ पर है और इधर ही हमारा OME ग्रुप लग जाएगा, तो सिंपली हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस चीज़ को नोट करो, फिर अपने एनायनिक कंडीशन की ओर चलते हैं भाइयों, ठीक है भाइयों, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है, तो अब अपने आगे अगर हमारे पास कुछ एनायनिक कंडीशन या फिर हम बोल सकते हैं बेसिक कंडीशन हो तो हम कैसे अपनी रिंग की ओपनिंग करवाएंगे इपॉक्साइड में, तो कैसे हमारा काम बनेगा, उस चीज़ को देखने चाह रहे हैं, ठीक है भाई, तो इतना आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो चलते हैं बेसिक कंडीशन, अगर हमारे पास क्या हो, बेसिक कंडीशन हो, कैसी कंडीशन हो, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन कई टाइप की देखने मिलेगी, एक एक करके आपको सब बताएंगे कौन कौन सी टाइप की बेसिक कंडीशन होगी आपके पास। देखो एक ये है आपके पास अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड ले लेते हैं, अनसिमेट्रिकल ले लिए भाइयों, अनसिमेट्रिकल, और इसमें क्या डाल के दे दिया जाएगा आपको, अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड में आपको डाल के दे दिया जाएगा CH3ONA, तो सिंपली आप क्या करोगे, ONA को ब्रेकेज करोगे, आपको पता ही है ONA मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर नेगेटिव चार्ज, और इस पर मेटल हमेशा कैटायन फॉर्म करता है, तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इतना कोई नहीं आएगी, तो जब एनायनिक सिस्टम प्रेजेंट हो तब एनायनिक सिस्टम वाले के जो कार्बन होते हैं वो अटैक करेंगे, समझ रहे हो, जो अनायन उस कार्बन पर अटैक करेंगे, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जब अनायनिक सिस्टम प्रेजेंट होते हैं तो अनायन उस कार्बन, मतलब अनायन कौन से हैं, ये वाला ग्रुप है पूरा अनायनिक ग्रुप, ये अनायनिक उस कार्बन पर अटैक मारता है जहाँ पर हिंड्रेंस कम होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, सिंपली वो अटैक अपने आप को उधर मान लेते हैं, तो इसका जो अटैक होगा वो इस कार्बन पर बेटर होता है
इस कार्बन पे बेटर होता है एज कंपेयर टू इस कार्बन, क्योंकि इस कार्बन पे क्या होता है मोर स्टीयरिक हिंड्रेंस होती है और इस पे लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस होती है। तो लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये यहां पे अटैक मारते हैं। तो इतना याद रखना, बेसिक कंडीशन या अनायनिक कंडीशन होती है तो जो अनायन होते हैं वो किस कार्बन पे अटैक मारेंगे, जहां पर मतलब जहां रिंग ओपनिंग उधर से होगी, मतलब सिंपली आपको वहां से बता रहा हूं, रिंग ओपनिंग उधर से होगी जहां पे हमारा कार्बोकेटायन लेस स्टेबल फॉर्म हो, यहां से लेस स्टेबल फॉर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है लेस स्टेबल फॉर्म। दूसरी भाषा में बता रहा हूं कि आपको कैसे ध्यान में रखना है, रिंग ओपनिंग उधर से होगी अनायनिक के केस में, जहां से हमारा कार्बोकेटायन लेस स्टेबल हो और लेस हिंडर्ड हो, तो आराम से अनायनिक सिस्टम वहां पे अटैक मार देंगे। तो आपको पता है इधर ना अटैक होके आपको किधर होगा, जहां पर लेस हिंड्रेंस होगा, ध्यान रखना यहां पर अटैक होगा तो सिंपली क्या होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा और आपको पता ही ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और क्या होगा भाइयों, यहां पर ये OCS3 ग्रुप अटैक मार चुका है तो ऑक्सीजन OCS3 ग्रुप यहां पे लग जाएगा। तो सिंपली आप क्या करना है, फिर आपको आगे प्रोटोनेशन करवाना है, क्या करवाना है प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन क्या होगा, H पोस्ट टू आयन का एडिशन, H पोस्ट टू आयन ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को देख के अट्रैक्ट हो जाता है और तुरंत इस पर अटैक मार के क्या फॉर्म कर देगा, एल्कोहल फॉर्म कर देगा और यहाँ हमारा OMe ग्रुप लगा ही पड़ा है, या ओ मिथाइल ग्रुप या OCS3 ग्रुप, एक ही बात है OMe, ओ मिथाइल, OCS3, ठीक है भाइयों। तो सिंपली आप रिएक्शन करवा दोगे, बस इतना ध्यान रखना अनायनिक कंडीशन वाले जब अनायन होते हैं वो उस कार्बन पर अटैक मारते हैं जहां पर लेस हिंड्रेंस हो, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं रिंग ओपनिंग उधर से होगी, रिंग ओपनिंग उधर से होगी जहां से हमारा कार्बोकेटायन लेस स्टेबल फॉर्म हो। ऑब्वियस सी बात है यहां पर कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा 1 डिग्री, यहां से करेंगे तो 3 डिग्री, ऊपर से हिंड्रेंस ज्यादा तो ये अटैक नहीं मार सकता अनायन। तो इतना ध्यान में रखना, ऐसे हम एक दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, अब दोनों कंडीशन को कंपेयर करते हुए चलते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे आपके पास मैंने ये दिया है और इसमें ये आपके पास इपॉक्साइड की रिंग है, तो सिंपली आपसे बोल दिया जाए एक ये आपके पास है MeOH और H पॉजिटिव, ये हमारी कैसी है एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन के थ्रू चलते हैं, पहले अपनी एसिडिक कंडीशन थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म मारूंगा, आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है, शॉर्ट ही याद रखना है। H प्लस इस पर अटैक मारेगा, मारेगा नहीं मारेगा, H प्लस इस पर अटैक मारेगा और रिंग की ओपनिंग उधर से होती है जहां से कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, होता ही नहीं होता, और कार्बोकेटायन यहां पे H प्लस अटैक मार देगा इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस अटैक मार देगा नहीं मार देगा, तो देख लो आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पर पहले H प्लस अटैक मार देगा, तो पहले अटैक ही मार के दिखा देता हूं कि आपको दिक्कत ना है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस पे पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से रिंग ओपनिंग होगी, ये इधर से रिंग ओपनिंग करेगा, रिंग ओपनिंग इधर से करेगा, इसकी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कम होगी और इस पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट होने लग जाएंगे, और जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगते हैं तुरंत क्या करता है OMe ग्रुप, MeOH ग्रुप यहां पर तुरंत अटैक मार देगा नहीं मार देगा, मार देगा और आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही नहीं होगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा जैसे आपके पास है रिंग ओपनिंग इधर से होगी और ओ एच यहाँ लग गया और ओ एम ई एच और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इतना तो आपने देख लिया है। एच अपने इलेक्ट्रॉन देके से चला जाएगा और आपको पता ही है ये प्रोडक्ट आपके पास सामने आ जाएगा कुछ, और इधर OMe ग्रुप लग जाएगा और इधर OH। तो ये तो हमारा था एसिडिक कंडीशन जब थी तब हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अगर हम बेसिक कंडीशन ले लेते हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल है ये बेसिक कंडीशन क्या ले लिया जाए, जैसे हमारे पास बेसिक कंडीशन है MeO नेगेटिव ये डाल के दे दिया जाए और सॉल्वेंट हम ले लेते हैं MeOH मिथाइल अल्कोहल। तो ये हमारा कोई बेसिक कंडीशन है, तो आपको पता है अटैक कहाँ होगा, इस वाले कार्बन पर अटैक होगा जहां लेस हिंड्रेंस और साथ में हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं रिंग ओपनिंग उधर से होगी जहां से कार्बोकेटायन लेस स्टेबल फॉर्म हो। तो ये यहां अटैक मारेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर उठाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है पहले एक एक थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल स्टेप को लेकर बढ़ रहा हूं आगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को ले लिया इसने और ये MeO नेगेटिव इधर अटैक मार गया, OMe ग्रुप यहां लग गया और फिर हमें क्या करवा देना है प्रोटोनेशन करवा देना है। प्रोटोनेशन आराम से करवा दोगे, कुछ हमारा प्रोडक्ट ऐसा फॉर्म होगा ही नहीं होगा।
तो हमने एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों से रिएक्शन करवाई और दोनों से हमने डिफरेंस को देखा। तो एसिडिक मीडियम से हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा और बेसिक मीडियम से हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है? तो इतना ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक कंडीशन होगी तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मतलब हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मतलब वो हाईली सब्स्टिट्यूट, मतलब क्या बताना चाहता हूँ कि एसिडिक कंडीशन पे आराम से आप रिएक्शन करवा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ करवाना है जहाँ से हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा कहाँ से, जब रिंग ओपनिंग अच्छी खासी होगी वहाँ से, जहाँ से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो, ध्यान इस चीज़ का रखना है, ठीक है? ऐसे ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है? अगर हम अनायनिक कंडीशन और लिया है, अनायनिक कंडीशन जैसे मैंने मिथाइल अल्कोहल लिया है MeO नेगेटिव, ये हमारी एसिडिक कंडीशन थी। अगर मैं एसिडिक कंडीशन और डिफरेंट डिफरेंट लेकर आता हूँ तो हमें सभी कंडीशन को देख के चलना है कैसे एसिडिक कंडीशन इसमें वेरिएशन रखती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो अगर हम बेसिक कंडीशन और कोई देखे, जैसे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ले लेते हैं, कैसे? ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ये हमारे बेसिक कंडीशन जैसे ही रिलेट करते हैं, क्या होगा इसमें, क्या होगा? जैसे हमने ले लिया ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में CH3Li, ये टूटते हैं Li पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करवाना है, जैसे हमारे पास अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड है और इसमें क्या डाल के दे दिया है, CH3Li, तो सिंपली क्या करना है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ठीक है? तो पहले क्या होगा, CH3 कहाँ अटैक मारेगा, अनायनिक कंपाउंड है, अनायनिक है या नहीं है, तो इधर तो अटैक मारने से रहेगा क्योंकि हिंड्रेंस ज़्यादा है, इधर ही अटैक मारेगा, इधर अटैक मारेगा तो रिंग ओपनिंग इधर होगी, ऑब्वियस ही बात है, इधर रिंग ओपनिंग हुई तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या लग जाएगा, मिथाइल ग्रुप लग जाएगा और तुरंत क्या कर देना है, प्रोटोनेशन करवा देना है। प्रोटोनेशन करवाने के बाद कुछ ऐसा हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होगा भाइयों। तो ये हमारा कुछ कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा नोट करें, फिर अपनी थोड़ी स्टीरोकेमिस्ट्री की ओर चलते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं कि स्टीरोकेमिस्ट्री कैसे रिलेट करती है। तो भाई एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पे जो अटैक होता है, वो ऑलवेज बिलो द प्लेन होता है, यहाँ पे अटैक ऑलवेज, तो इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लेना, यहाँ पर जो अटैक होता है ऑलवेज बिलो द प्लेन होता है, बिलो द प्लेन, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अटैक हमेशा बिलो द प्लेन से करवाना है और बिलो द प्लेन ही अटैक होता है। अब स्टीरोकेमिस्ट्री में हमें पता चलेगा कैसे बिलो द प्लेन अटैक काम करता है। तो ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जैसे है एक ये है और हमने देख लिया रिंग की इपोक्साइड की जो रिंग बन रही है वो बिलो द प्लेन ही बन रही है, तो एक ऑक्सीजन ये रही, तो बिलो द प्लेन ही दिखाते हैं इसे डैश प्रोजेक्शन से। तो डैश प्रोजेक्शन अगर हम OH नेगेटिव आयन डालें, क्या डाल रहे हैं, OH नेगेटिव आयन या फिर OME और या फिर हम क्या डाल दें, CH3-, तो तीनों ही डाल के देख लिया, ये ऑर्गेनोलिथियम से मिला, ये मिथाइल अल्कोहल से, ये OH नेगेटिव आयन कैसे में मिला, उस चीज़ से रिलेट नहीं करता, ठीक है? तो आपको पता है किस कार्बन पर अटैक मारना पसंद करेंगे, जहाँ से लेस हिंड्रेंस हो, तो लेस हिंड्रेंस दोनों पे ही कहीं पे भी मार सकते हैं आराम से, क्योंकि आराम से अटैक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही ये यहाँ अटैक मारने आते हैं, अगर ये मैंने क्या बताया, ये हमेशा क्या करते हैं, बिलो द प्लेन अटैक मारते हैं। बिलो द प्लेन अटैक मारने में क्या होगा, सिंपली आप करवा दोगे, क्या होगा, ये मान लिया हमने बिलो द प्लेन इसने अटैक मारा और ये कंपाउंड फॉर्म हुआ OH, और जैसे ही बिलो द प्लेन, तो ये जो ऑक्सीजन होंगे जिन्होंने अपनी रिंग की ओपनिंग करी है, वो अबोव द प्लेन करने लग जाते रिंग की ओपनिंग, क्योंकि प्लेन बदल जाता है, ये बिलो द प्लेन तो वो अबोव द प्लेन हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तुरंत H पॉजिटिव आयन इस पर अटैक मार देंगे, प्रोटोनेट होगा। इतना थोड़ा ध्यान रखना, प्लेन चेंज हो जाते हैं, जब बिलो द प्लेन होगा तो सामने वाला बदल जाएगा, बिलो से अबोव में आ जाएगा, इतना ध्यान में रखना। तो ये हमारा अल्कोहल और ये भी हमारा बिलो द अबोव द प्लेन क्या हो जाएगा, अल्कोहल ही फॉर्म, 1,2-diol ही फॉर्म हुए हैं भाइयों। ऐसे अगर हम OME ले लेते हैं तो सिंपली क्या करना है, ये हमारा OME डायरेक्टली मैं ये वाला प्रोडक्ट ही बना दे रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना,
ठीक है। तो अगर हम ले लेते हैं ये बिलो द प्लेन अटैक मार गया OMe, तो आपको पता है ये क्या होगा, अबोव द प्लेन अटैक मारेगा तो हमारा एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास ये है, और अगर हम मान लेते हैं ये भी हमारा क्या है CH3- बिलो द प्लेन अटैक मारेगा, तो आपको पता है ये क्या मारेगा, अबोव द प्लेन अटैक मारेगा। तो ये कुछ तीन प्रोडक्ट हमने आपको दिखाए हैं, तो ध्यान रखना अटैक हमेशा कैसा होता है, बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन होगा तो बगल वाला कार्बन अपना प्लेन चेंज कर लेता है, अगर बिलो में होगा तो अबोव, अबोव में होगा तो बिलो में। इतना थोड़ा ध्यान में रखना कैसे हमारे कंपाउंड रिलेट करता है। तो ये स्टेप मैंने आपको नहीं दिखाई डायरेक्टली, मैंने आपको ये डायरेक्टली ऐसे ही तीन स्टेप आपको करके दिखा दिया, ध्यान में रखना है। सबसे पहले अटैक होगा, अटैक जो होता है वो बिलो द प्लेन होता है। ये सारी एनायनिक कंडीशन में थोड़ा ध्यान रखना है, एनायनिक कंडीशन में थोड़ा ध्यान रखना है कैसे अटैक होगा। अटैक उस कार्बन पे होगा जहां पर लेस हिंड्रेंस होगी, लेस हिंड्रेंस होगी तो आसानी से अटैक होगा। ठीक है, तो और अपनी क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिगार्डिंग कि दिक्कत हमें बिल्कुल ना आए। ठीक है भाइयों, तो चलो अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं, और हमने माना कि ऑक्सीजन जो इपोक्साइड की रिंग है वो अबोव द प्लेन से है, कैसी है, अबोव द प्लेन डैश वेज वेज डैश प्रोजेक्शन। तो देखो भैया, ये अबोव द प्लेन दिखा रहा हूँ और ऑक्सीजन ये रहा, दिख रहा होगा आपको सिंपली, सिंपली आपको दिख रहा होगा, नहीं होगा तो ये कुछ हमारे पास है, और एक बिलो द प्लेन हमारे से क्या लग रहा है, एक यहीं से अटैच एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है। तो सिंपली क्या करवाना है, अगर इसमें आपको डाल के दे दिया जाए NaOMe, तो सिंपली आप क्या करोगे, पहले इसको ब्रेक करोगे, मेटल के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, अनायनिक है, अनायनिक कंडीशन इधर तो अटैक मार नहीं रहा, क्योंकि इधर अटैक मारेगा तो लेस मोर हिंड्रेंस, हिंड्रेंस की जगह पे तो अटैक नहीं मारने वाला, इधर अटैक मारेगा, और हमेशा कैसे अटैक होता है, बिलो द प्लेन अटैक होता है, हमेशा बिलो द प्लेन। तो अगर ये बिलो द प्लेन तो ये अबोव द प्लेन होता है, ये बिलो द प्लेन मारेगा तो हमारा ये जो कंपाउंड है, क्या चीज है, ये जो अबोव द प्लेन रहेगा और ये अबोव द प्लेन, तो ये हमारा बिलो द प्लेन हाई है। तो इतना ध्यान रखना, ये बिलो है तो ऑब्वियसली पता है ये पहले ही अबोव से बैठा है, तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं है, कहीं इसकी प्लेन चेंज कर दो तो प्लेन सेम नहीं होना चाहिए। तो इसने बिलो द प्लेन अटैक मारा इस पे OMe, और इसने तो ले रखा था, इस पे अबोव द प्लेन है, ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसने बिलो द प्लेन मिथाइल ग्रुप ले रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और तुरंत क्या कर देना, एच पोस्ट वैन प्रोटोनेट करवा देना। प्रोटोनेट करवाने के बाद कुछ हमारा प्रोडक्ट ऐसा फॉर्म होगा, और ये हमारा कुछ OH नेगेटिव OH OMe ग्रुप लग जाएगा, और इधर ही हमारा OH ग्रुप लग जाएगा, और इधर ही हमारा बिलो द प्लेन मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, और अगर हम कंडीशन ले लें इसी में ही, हम एसिडिक कंडीशन लेके चले, अगर H+ डाल रखा है और MeOH डाल रखा है, तो सिंपली आप कहाँ अटैक मारवाने की कोशिश करोगे, H+ तुरंत इस पर अटैक मार देगा, अटैक मारेगा और रिंग ओपनिंग इधर से होगी, रिंग ओपनिंग इधर से होगी तो तुरंत MeOH ग्रुप इधर अटैक मारेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा चेंजमेंट आएगा तो कैसे होगा उस चीज़ पर ध्यान देना है। तो रिंग ओपनिंग इधर से हुई तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अबोव द प्लेन ये चीज OH ग्रुप यहाँ पर लग जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, H पॉजिटिव लग जाएंगे तो ये रिंग ओपनिंग कर लेगा, और ये हमेशा बिलो द प्लेन अटैक मारेगा ही नहीं मारेगा, ये हमेशा बिलो द प्लेन अटैक मारेगा OMe ग्रुप, तो यहाँ पे बिलो द प्लेन OMe ग्रुप का अटैक करवा दो। अगर इसने बिलो द प्लेन मारा है तो मिथाइल ग्रुप अबोव द प्लेन चला जाएगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्या होगा, अबोव द प्लेन भाग जाएगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कैसे अटैक हुआ। एक स्टेप में मैंने करके दिखाया हूँ तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, नोट करो। ठीक है, आगे बढ़े, कैसे हमें क्वेश्चन को करना है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब अपने थोड़े और कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन को और अच्छी तरह कर सकते हैं। तो अपने लेवल टू पे आ रहे हैं। लेवल टू क्या है, अरीन ऑक्साइड को लेके चलेंगे। किसको, अरीन ऑक्साइड। अरीन ऑक्साइड कैसे होते हैं उस चीज को हम देखने वाले हैं, अरीन ऑक्साइड। तो अरीन ऑक्साइड क्या है, अगर हम इस तरीके की इपोक्साइड की रिंग ले लेते हैं, इस तरीके के इपोक्साइड की रिंग ले लेते हैं, और ये हमारे पास इपोक्साइड की रिंग है,
और इसमें क्या डाल रहे हैं, H प्लस ओवर H2 डाल रहे हैं, मतलब एसिडिक कंडीशन डाल रहे हैं। तो तुरंत क्या होगा, एच प्लस अटैक मारेंगे नहीं मारेंगे, एच प्लस अटैक मारेंगे तो आपको पता ही है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जैसे, तो तुरंत वाटर मॉलिक्यूल अटैक मारने की सोचते हैं नियम और तोते। क्यों वाटर मॉलिक्यूल तुरंत अटैक मारने की इसलिए सोचते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रिंग ओपनिंग होगी और रिंग ओपनिंग इपोक्साइड वहां से करता है जहां से कार्बोकैटायन से बना होती है। तो क्या हो सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से रिंग ओपनिंग करवा दो। तो रिंग ओपनिंग अगर यहाँ से हुई तो वाटर मॉलिक्यूल ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही नहीं होगा हमारे पास। तो आपको पता ही है इधर से इधर और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लग जाता है और अल्कोहल ग्रुप के रखने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लगते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तुरंत जैसे यहाँ पे आते हैं तो तुरंत वाटर मॉलिक्यूल अटैक मार देंगे इधर। एक स्टेप और बढ़ा दी मैंने जिससे आपको समझ में आ जाए, अभी मैंने ये करवाई ही थी वैसे। तो कुछ ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्म होगा और ये क्या होता है, OH यहाँ लग जाता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ अटैक मार देंगे OH और H और इस पर पॉजिटिव चार्ज। और वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो हाइड्रोजन कहता है मेरे अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला जाता हूँ, और इलेक्ट्रॉन जाके जैसे ही चला जाता है तो यहाँ पे OH और OH। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन प्रोडक्ट हुआ, एडिशन हुआ ना, एक तरीके से एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एडिशन प्रोडक्ट मिलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी हो सकती है। ये इधर ना जाके यहीं से रीअरेंजमेंट कर सकता है। कैसे कर सकता है उस चीज पे चलो, जैसे जब तक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक मारने की सोचते हैं, सुनो ये एडिशन प्रोडक्ट था, मैं आपको रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बता रहा हूँ। रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट क्या होता है, अपने आप को स्टेबलाइज करके प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल धातु बना के बैठा रहता है, जैसे रिंग ओपनिंग होगी, जैसे रिंग न ओपनिंग होगी तुरंत मैं अटैक मार दूंगा। तो वाटर मॉलिक्यूल के अटैक मारने से पहले ही यहां पर रिंग ओपनिंग हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल के अटैक मारने से पहले ही यहां पर रिंग ओपनिंग हो जाती है और यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाते हैं। और कार्बोकैटायन फॉर्म होने की वजह से अभी वाटर मॉलिक्यूल का अटैक नहीं हुआ, अभी भी वाटर मॉलिक्यूल का अटैक नहीं हुआ क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल पता ही नहीं चला इतनी जल्दी ब्रेकेज होगी बॉन्ड की और कार्बोकैटायन फॉर्म हो गए और कार्बोकैटायन को मौका मिल गया रीअरेंज करने का। और रीअरेंज क्यों करना चाहता है कार्बोकैटायन, क्योंकि यहां पर क्या मिल जाएगा, मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी और मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मोर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर मैं इधर ले लेता हूं 1.2 H माइनस शिफ्ट करवा देता हूं, आपको पता है रीअरेंजमेंट में हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट हो सकता है अपने आप को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कार्बोकैटायन के अंदर कैपेबिलिटी अपने आप को और ज्यादा स्टेबल बना लेता है। तो सिंपली क्या करना है, रीअरेंज करवाना है और रीअरेंज कराएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन उधर चला गया, तो सिंपली आप करवा दोगे। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होंगे इसको मेसोमेरिक स्टेबलाइज कर देंगे। मेसोमेरिक स्टेबलाइज करने की वजह से क्या होगा, कुछ हमारे पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड ओ और ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, तो मैं थोड़ा ऊपर से दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। तो कुछ क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते ही तुरंत कहता है हाइड्रोजन, भाई मेरे इलेक्ट्रॉन ले और तू खुश रहे, मेरे इलेक्ट्रॉन ले और तू खुश रहे। तो तुरंत क्या होगा, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और डबल बॉन्ड ओ फॉर्म हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा ही था, तो कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे आने के बाद एक स्टेप और निभाना है जिसका नाम है टोटोमरीज। टोटोमरीज क्या होता है, 1.3 माइग्रेशन होता है, 1.3 एच माइग्रेशन होता ही नहीं होता, तो माइग्रेशन तो ये 1, 2, 3 ये थ्री, ये एच इधर चलाता है बॉन्ड इधर आ जाता है। तो इतना ध्यान रखना, टोटोमरीज में आपको सीखना पड़ेगा, आपको आ जाएगा, ध्यान रखना ठीक है। एक प्रोडक्ट ही होगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएंगे और अल्कोहल यहाँ बन जाएगा और हमारा फिनोल प्रोडक्ट आके बन जाएगा। और फिनोल प्रोडक्ट ये भी प्रोडक्ट बनेगा हमारा और ये भी प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि रीअरेंजमेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोस्ट स्टेबल होगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, इस चीज को ध्यान में रखना ठीक है भाइयों। तो मेजर और माइनर दोनों, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे बोल देगा कि ये इस जो मॉलिक्यूल के अगर मैं एसिडिक कंडीशन डाल देता हूं तो कोई कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, तो एक प्रोडक्ट ये होगा, एक प्रोडक्ट ये होगा। तो मेजर माइनर का इफेक्ट नहीं, वो पूछा कितने प्रोडक्ट, तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो दोनों पता होने चाहिए, एक हमारा एडिशन प्रोडक्ट होगा और एक हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट होगा। अगर हमसे बोल दें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो भाई रीअरेंज प्रोडक्ट को ही मेजर बोलेंगे ठीक है भाई। तो ये कुछ रिएक्शन ऐसे गई ऐसे करके फिर मैंने यहाँ पे, और यहाँ याद रखना यहाँ पे क्या हुआ है, टोटोमेरिज हुई है, टोटोमेरिज ठीक है। तो टोटोमेरिज जो करवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब अपने रीअरेंज प्रोडक्ट को और आगे अच्छी तरह पढ़ सके, आगे हम इसके लिए बढ़ा रहे हैं ठीक है भाई।
तो ऐसे ही हम एक दो एग्जाम्पल और करेंगे अच्छी खासे कि हमें रिंग ओपनिंग अच्छी तरह सीख ले। तो दो तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक एडिशन प्रोडक्ट होगा और एक होगा रीअरेंज प्रोडक्ट। दोनों को हमें लेके चलना है साथ में। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है ये, और यहाँ पर लग रहा है मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप लगने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारे इपोक्साइड ग्रुप है और इसमें डाल के दे दिया जाए एच प्लस ओवर एच टू। तो सिंपली आपको क्या करना है, एच प्लस का अटैक करवा दो। एच प्लस का अटैक कैसे होगा वो तो आपने सीख लिया है, तुरंत H+ का अटैक हो जाएगा। और OH ये कुछ देखो, O और H के ऊपर पोस्ट, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से आप क्या करो, पहले तो एडिशन प्रोडक्ट बनाओ। तो सिंपली क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इस पे इंतजार होगा, वाटर मॉलिक्यूल ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन उठाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैक मार के क्या कर देगा, अल्कोहल फॉर्म कर देगा। फिर वाटर ऑक्सीजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा तो अल्कोहल ही फॉर्म हो गए, 1-2 डाइओल फॉर्म होते नहीं होते। तो इधर भी अल्कोहल और सिंपली हमारा ये प्रोडक्ट कुछ आपके सामने आएगा। तो ये हमारा क्या था, एडिशन प्रोडक्ट था या नहीं था भाइयों? तो ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट था, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये हमारा कुछ एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये हमारा क्या है भाइयों, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, एडिशन प्रोडक्ट। तो सिंपली आपको क्या करना है, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाने की वजह से अगर हम यहाँ पर रीअरेंज प्रोडक्ट करवाएं, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन नहीं होता, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को उठाता है, रिंग ओपनिंग करता है, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होंगे, यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। तो अल्कोहल फॉर्म हो जाने के बाद यहाँ बगल में हाइड्रोजन होते हैं, क्या होता है, बगल में हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन होने की वजह से क्या होगा, ये तुरंत अपने आप को यहाँ पे 1.2 क्या होगा, इधर करवा देता हूँ 1.2 H- शिफ्ट करवा दो। तो सिंपली क्या होगा, माइग्रेशन करवा दो हाइड्रोजन का, तो आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लोन पे तैयार रहते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन इधर चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा। थोड़ा मैं शॉर्ट मार रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इधर हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इस कंडीशन में आने के बाद टोटोमेरिज्म हो जाती है, 1.3 H माइग्रेशन हो जाती है, मतलब टोटो हो जाती है, टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म होने की वजह से क्या होता है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन उधर चला जाएगा और कुछ हमारा प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अल्कोहल। तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इस चीज़ को नोट करो, ठीक है। अब अपने थोड़े लेवल थर्ड पे आ जाते हैं, तीसरे लेवल की ओर, रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड में ही तीसरे लेवल पे। तीसरे लेवल में ऐसा क्या खास है कि जो हमारी इपोक्साइड की रिंग है उसके आसपास कोई लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे और उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंस होगा जिसको हम देखने जा रहे हैं भाई। जैसे हमने मान लिया ओ है, रिंग इपोक्साइड है, और उसके आसपास जो रिंग, ये एक्स ग्रुप है, हेलोजन है, ये हमारे पास कोई लिविंग ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, तो कैसे हम अपने रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। मान लिया हमने कि इसके आसपास कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक मार देगा, और अटैक न्यूक्लियोफाइल भी किस तरीके से, किसकी तरह बिहेव मारेंगे, अनायनिक स्पीसीज कहाँ अटैक मारते हैं, आपको पता है अनायनिक स्पीसीज वहाँ अटैक मारेंगे जहाँ पर लेस इंट्रेंस हो, और लेस इंट्रेंस होने की वजह से ऑक्सीजन अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उठा लेगा और यहाँ पर एनायन लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और इधर हमारा ऑक्सीजन अब नेगेटिव चार्ज कैरी कर रखा है, और इधर हमारा हैलोजन ग्रुप लगा पड़ा है। तो सिंपली क्या कर देना है, प्रोटोनेट करवाना है, प्रोटोनेट करवाने से अच्छा तो हम यहाँ पर प्रोटोनेशन करवाते थे, पर अब यहाँ पर प्रोटोनेशन नहीं होगी, या नेगेटिव चार्ज तुरंत इस पर अटैक मार देगा, और इस पर अटैक मारने के बाद हैलोजन यहाँ पर लीव कर जाएंगे, वो हैलोजन कुछ भी हो, ये क्या करता है, यहाँ से इपोक्साइड की रिंग को अपने बर्बाद करता है, फिर उधर जाके इपोक्साइड की रिंग वापस फॉर्म कर लेता है। कैसे होगा, इस चीज़ में ध्यान दो, देखो यहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल लगा पड़ा है, ये हमारा कुछ, और ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा इपोक्साइड की रिंग वापस रेडी हो जाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक मार देता है, उस जगह अटैक मारेगा जहाँ पर लेस इंट्रेंस हो, और लेस इंट्रेंस होने की वजह से इपोक्साइड अपने रिंग को उठा लेगा, रिंग को ब्रेक कर देगा, तुरंत ये इधर अटैक मार देगा, हैलोजन को लीव करेगा, वापस इपोक्साइड की रिंग तैयार कर लेगा। तो इस चीज में थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे ही हम एग्जांपल और ले लेते हैं, ये तो जनरल सी थोड़ी फैक्ट देख लिया था, कैसे क्या होगा उस चीज को हमने देख लिया।
तो देखो एक हमारे पास जैसे ये है ब्रोमीन डाल के दे दिया है और आपको पास दे दिया जाए NaOMe, तो सिंपली क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अटैक यहाँ होगा, अटैक यहाँ होने की वजह से यहाँ उठेंगे, तो आपको पता है ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट होगा, OMe यहाँ लग जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये ऐसे Br नेगेटिव, ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक मारा है, Br नेगेटिव लीव कर जाएगा, Br नेगेटिव जैसे लीव कर जाएगा तो आपको पता है OMe यहाँ है और यहाँ पर इपॉक्साइड की रिंग तैयार। तो ऐसे कुछ आपको ध्यान में रखना है, जैसे हम एग्जांपल और ले लेते हैं, एक हमारे पास ये है और आपके पास कुछ Br नेगेटिव इधर है, तो सिंपली आपको क्या करवाना है, जैसे आपको डाल के दे दीजिए NaOMe, तो आपको क्या करना है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव कहाँ अटैक मारेगा, जहाँ पे लेस हिंड्रेंस हो, लेस हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो कुछ ऐसा कुछ OMe इधर, यहाँ पे O नेगेटिव और कुछ आपको पता ही है इधर इधर इधर, फिर ब्रोमीन यहाँ, ये तुरंत इधर अटैक मार देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और कितने कार्बन, एक दो तीन चार पाँच, पांच मेंबर की रिंग होगी और पांच में जो पहला होगा वो ऑक्सीजन होगा, तो आपको सिंपली OMe बना देना है। मैं एरो दिखा देता हूँ और यहाँ पर पांच मेंबर की रिंग, ये कोई दिक्कत तो नहीं, और दूसरे कार्बन से अटैच क्या होगा हमारा OMe, ठीक है, ऐसा कुछ ग्रुप हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, तो ये दो है, ये एक है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, तो कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा कुछ हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कर लोगे ही नहीं कर लोगे। अब अपने एक लेवल फोर है जो आखिरी लेवल है, उस पर हम देखने जा रहे हैं, तो इसमें तो आपको समझ आएगा कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगी तो हम कैसे अपने ध्यान में रखेंगे, कैसे हम ओपनिंग करेंगे और कैसे वापिस इपोक्साइड फॉर्म हो जाती है। तो रिंग ऑफ इपोक्साइड विद एल्कीन, तो चौथा लेवल क्या है, इपोक्साइड की रिंग होगी साथ में एल्कीन होगी साथ में, ठीक है, एल्कीन के साथ थोड़ा सा, लेवल फोर है भाई, तो इस चीज को ध्यान रखना, क्या होगा इपोक्साइड की रिंग भी होगी और साथ में हमारे पास एल्कीन भी होगी, तो एल्कीन बड़ा ही इंपॉर्टेंस दिखाएगी, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, कैसे यहां पर इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है भैया। तो जैसे हमारे पास ये हमारे पास इपोक्साइड की रिंग है, तो सिंपली क्या डाल के दे देगा, H प्लस और H2, तो आपको पता है ये तुरंत यहाँ पर अटैक मार देगा, अटैक मारने की वजह से कुछ हमारे पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ऑक्सीजन इधर अटैक मारेगा, H प्लस यहाँ अटैक मारेगा, और आपको पता है H प्लस अटैक मारने की वजह से ऑक्सीजन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आता है तो ये क्या होगा, रिंग ओपनिंग की करने की सोचेगा, रिंग ओपनिंग करने की सोचने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आएंगे अटैक मारने पर, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के अटैक मारने से पहले यहाँ पे एल्कीन के कार्बन इधर अटैक मार देता है, रिंग ओपनिंग हो जाती है, तो सिंपली क्या होगा, छह मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी, तो ये देखो ये वाला कार्बन उधर बॉन्ड बना चुका है और इधर OH मॉलिक्यूल, और पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, सिंपली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, शिफ्ट हो गए नहीं हो गए, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, कर दो, फिर आखिरी में कौन अटैक मारेगा, आपको पता ही है, फिर वाटर मॉलिक्यूल की बारी आएगी, वाटर मॉलिक्यूल इधर अटैक मार देंगे, सिंपली आप वाटर मॉलिक्यूल एडिशन करवा देना और यहाँ पर OH और इधर OH और H और पॉजिटिव चार्ज, तुरंत पॉजिटिव चार्ज देख के हाइड्रोजन क्या आएगा, मेरे इलेक्ट्रॉन ले और तू खुश रहे, और तुरंत एल्कोहल यहाँ लग जाएगा और एल्कोहल यहाँ लग जाएगा, हमारा कुछ प्रोडक्ट है ऐसा कुछ आप कर आपके सामने मिलेगा, ठीक है भैया। ऐसे एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, तो एल्कीन आ जाए इपोक्साइड की रिंग के साथ, कैसे हमें अपने आंसर देने उस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो जैसे आपके पास एग्जांपल है एक ये, और ये एल्कीन है आपके पास, और यहीं पे ही आपके पास है एक इपोक्साइड की रिंग, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको डाल के दे दे एच प्लस और एच टू, तो सिंपली पहले H प्लस का अटैक करवाना, H प्लस का अटैक करवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और यहाँ पर क्या होगा, अटैक होते ही यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, रिंग ओपनिंग सोचेगा, वाटर मॉलिक्यूल आने से पहले यहाँ पर अटैक हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के आने से पहले यहाँ पर अटैक हो जाएगा, तो सिंपली क्या होगा, इसी को थोड़ा ध्यान देना,
इस वाले कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इस वाले कार्बन पे कमी आएगी नहीं आएगी? तो आपको पता ही है इस वाले कार्बन पे कमी आएगी और यहाँ पे अल्कोहल लग जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक मार देंगे, वाटर मॉलिक्यूल अटैक मारेंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो आपको सिंपली पता है यहाँ पर क्या ग्रुप लगेंगे, अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे भी अल्कोहल लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आपके सामने आएंगे, थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। ऐसी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो हमारे इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे हमारा लेवल 4 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये है अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड, अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है या नहीं है? अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड होने की वजह से यहाँ पर आपके सामने इतने बड़ी अल्कीन है, और इसमें अगर आपको डाल के दे दिया जाए H प्लस और H2O, तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, थोड़ा ध्यान में रखना, एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा और यहाँ पे अल्कोहल होगा और इधर हमारा दो और इधर अल्कोहल, इतना ये आपको ये प्रोडक्ट तैयार करना है और कमेंट सेशन में बताना है कि क्या ये प्रोडक्ट आपसे कैसे आया, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बस मैकेनिज्म को फॉलो करना है और अपने आंसर अपने आप आ जाएंगे। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है भाइयों। तो keep learning।